बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यूज 71 से लेके 80 तक वो एमसीक्यूज कवर करने हैं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर हांडा का वो हमने स्टार्ट किए हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज से स्टार्ट कर लेते हैं। सो दी फर्स्ट एमसीक्यूज इज 71। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर E5 इज 279, 229, 375। तो द डेसिमल इक्विवेलेंट, दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर। E5 इज द डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ में गिवन है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए ये है कि 5 को आपने वही जो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया कि दिस इज द वेट, ओके, वेट ऑफ ईच डिजिट। तो 5, 4 + 1 = 5। तो ये इसको आप ऑन कर लो, इसको ज़ीरो कर लो, इसको आप ऑन कर लो और इसको ज़ीरो कर लो। तो 0101 ये आपका 5 आ जाएगा। इसे ई मींस के 14 इक्वल है हेक्साडेसिमल में। हमारे पास ए बी सी डी के, तो ए आपका 10 होता है, बी आपका 11 होता है, सी आपका 12 होता है, डी आपका 13 होता है और ई आपका 14 होता है और एफ आपका 15 होता है। तो ई इज इक्वल 14 यहाँ पे कहाँ किस तरह बन रहा है, यहाँ पे आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इसको ऑन कर लो, इसको ऑन कर लो, इसको ऑन कर लो, इसको ऑफ कर लो। सो ये आप यहाँ पे लिख लो 1110। सो दिस विल बी दी बाइनरी इक्विवेलेंट। अब बाइनरी इक्विवेलेंट को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या होता है, ये आपका 1 है, ये आप 1, 2, 4, दिस इज +4, 1 + 4 हो जाएगा 1, 2, 4, 8, 16, 32, 32 + 64 + 128। इन सबको ऐड कर लो, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 1 0 हो जाएगा 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 आ जाएगा 1 carry 1, 2, 2, तो 229, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज इन 8421 बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम द डेसिमल नंबर दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये हमने 237, ये हमारे पास डेसिमल नंबर में किसके इक्वल होता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 237, 1248 बाइनरी कोडेड डेसिमल में हमारे पास ये दिस विल बी इक्वल टू लाइक 7 को आप कर लो, तो दिस विल बी 1248, तो 4567, तो 1110 हो जाएगा, 3 आपका 23, तो 1100 हो जाएगा और 2 आपका 0100। सो ये चेक कर लो, 0010001, सो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम सी गोज इज 73। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग 3 बाइनरी एडिशंस आर करेक्ट। तो इसमें हमारे पास एक्स जो है इसको चेक कर लेते हैं, दैट इज 1011 1010, तो 1 आ जाएगा 01101 आ जाएगा, तो 101 ये आपका करेक्ट है। Y को चेक कर लेते हैं, तो Y आपका 1010 1101, तो ये आपका 11101, ये भी आपका करेक्ट है। Z को चेक कर लेते हैं, सो Z विल बी 1010 1110, ये आपका 01101 हो जाएगा, 01, तो 11, तो ये आपका रॉन्ग है। सो एक्स ओनली, एक्स एंड वाई ओनली, सो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट टाइम सी गोज इज 74। इन द 8421 बी सी डी कोड द डेसिमल नंबर 125 इज रिटन एज। तो 125 को हम ये भी आप 1248 बी सी डी कोड इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1248, तो ये 0101 हो जाएगा,
टू आपका 0100 हो जाएगा और वन आपका 1000 हो जाएगा। सो इसमें आपके ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन ए डेसिमल डिजिटल कंप्यूटर द नंबर 127 इज स्टोर एज। तो 127 इन ए डेसिमल डिजिटल कंप्यूटर, ओके ये आपका वो 1248 बाइनरी कोड बीसीडी नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, द नंबर 127 इज स्टोर एज। तो ये हम उसी तरह करेंगे कि यहाँ पे देख दो, तो हमारे पास ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, 1 2 4 8 16 32, ये आपका 64 हो जाएगा। तो इन सबको ऐड कर लो, 1 2 4 8 16 32 64 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, सो ये आपका 4 5 6 12 12 प्लस 8 इज 20 24 25 26 27, 2 के लिए हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12, तो 127। यस, सो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू इज 76। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जितने भी हैं वो हमें ऑक्टल नंबर गिवन है और ये बाइनरी हैं, तो बाइनरी से हम ऑक्टल में डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम बाय, इसको हम 3 डिजिट्स को पेयर कर लेते हैं। डेसिमल के लिए हमने 4 डिजिट्स को पेयर करने, ऑक्टल के लिए हमने 3 डिजिट्स को पेयर करने। तो ये 1 2 4, तो इससे आपके पास 7 आ जाएगा करेक्ट, 1 2 4 तो इससे आपके पास 6 आ जाएगा, 1 2 4 तो ये भी 7 आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट है। दूसरा चेक कर लेते हैं, इनके पेयर्स बना लेते हैं, 1 2 4 तो ये 5 यस करेक्ट, 1 2 4 ये 6 करेक्ट, 1 2 4 ये 6 करेक्ट, ये भी आपका सही है। इसके बाद ये चेक कर लेते हैं, इसके भी पेयर बना लो, डॉट से आपने इस साइड पे पेयर बनाने, तो 1 2 3 तो ये 3 आ रहे हैं और 1 तो ये करेक्ट है। इसको चेक कर लेते हैं, तो ये आपका 1 2 4 5 1 2 4 5, यहाँ पे 6 है, 1 2 ये 2 सही है बट 6 है यहाँ पे, तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट इनकरेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट एम सी क्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कोड सिस्टम इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखते हो 1 2 4, तो ये तो आपका करेक्ट है, ये ई एफ के इक्वल है, 1 2 4 8 8 19 12 12, इसमें एक्चुअली ए बी सी डी ई एफ, दिस इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू 11, दिस इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वल टू 13, दिस इज इक्वल टू 14, दिस इज इक्वल टू 15, तो ये तो आपका 15 है, तो 15 के लिए F है, दैट्स राइट, 1 2 4 8 8 9 10 11 12 12, के लिए C है, दिस इज आल्सो राइट, 1 2 4 8 8 के लिए 8 है, 1 2, तो ये आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा क्योंकि दिस इज इक्वल टू 3, 2 के इक्वल नहीं है। ओके नेक्स्ट एमसीक्यूज इज 78। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर इज इनकरेक्ट। तो डेसिमल से बाइनरी में हमारे पास इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसमें हम इस तरह कर लेते हैं कि 4 पेयर्स हम बना लेते हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी हमने जाने हैं, तो हमने 4 पेयर्स इसके बनाने हैं, सही है। तो यहाँ पे देख लो, तो ये चेक कर लो, 1 2 4 8 16 32 64 128 प्लस दिस इज आल्सो ऑन 29, तो ये तो आपका सही है। और ये चेक कर लो, ये बाद में चेक कर लेंगे, इस पर आप टाइम वेस्ट नहीं करते। बाकी सारे जितने भी हैं वो हमारे पास डेसिमल में हैं, और यहाँ पे आप देख लो तो ऑप्शन बी एंड सी ये दोनों सेम नंबर्स हैं आपके पास डेसिमल, बट यहाँ पे बाइनरी चेंज है, तो इट मींस कि इन दोनों ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो कह रहा है कि इनकरेक्ट, तो इन दोनों में आपका एक इनकरेक्ट होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर -1, तो दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2, प्लस 2 की पावर -2, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/4, प्लस 2 की पावर -1 -2 -3 -4 -5, -6, 1/2 हो जाएगा। ये दूसरा क्या होगा, 1/2 प्लस
ज़ीरो 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 1, 2, 3, 4, 5, तो 1/2 की पावर 5, बाकी 0 हो जाएंगे। तो ये आपका 1/2 से 0.5 आएगा, और 1/2 की पावर 5 से क्या आता है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 8 टाइम्स 2 इज़ 16, 16 टाइम्स 2 इज़ 32, तो 1/32, तो 0.0 हो जाएगा, 10 इज़ स्टिल लेस देन 32, तो 0 पुट कर लो, 0 हो जाएगा, तो 100 इज़ ग्रेटर देन 32, तो 32 टाइम्स 3 कर लो, तो 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 3 टाइम्स, तो 96 आ जाएगा, इससे आपके पास 4 आ जाएगा, पॉइंट ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो 0 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, तो पॉइंट ऑलरेडी लगे हुए तो 0 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपके पास 2 से कर लो तो 2 आ जाएगा, तो 0.0312 विच इज इक्वल 0.5312। सो इसमें हमारे पास जो ये हैं, इससे हमारे पास आ रहा है 0.532 और यहाँ पे 0.796 हैं, तो इट मीन्स कि दिस इज़ इनकरेक्ट। ओके, तो दिस इज़ द इनकरेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, और इनकरेक्ट यहाँ पे जो कन्वर्जन है दैट इज़ सी। सी से आपके पास ये 0.5312 आने चाहिए, जबकि यहाँ पे 0.796875 हैं। ओके, सेकेंड लास्ट एमसीक्यूज़ ऑफ दिस क्लास, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे भी हमें डेसिमल, ओके, डिफरेंट बाइनरी नंबर्स, डिफरेंट हमें कन्वर्जन्स गिवन है यहाँ पे, तो वो हमने उसमें इनकरेक्ट चूज़ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 8, 16, 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 128 के बाद हमारे पास 256 आता है, 256 के बाद हमारे पास 512 आता है, 512 के बाद हमारे पास 1000, वेट, ओके, तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन करना है, तो दिस विल बी 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 के बाद हमारे पास 256 आता है, 256 के बाद हमारे पास 512 आता है, 512 के बाद हमारे पास 1024 आता है, उसके बाद हमारे पास 2048 आएगा। तो कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर, तो 11 नंबर पे हमारे पास जो आ रहा है दैट इज़ 1024। इनके साथ आप जितने भी ये सारे डिजिट्स ऐड कर लो, नहीं ऐड नहीं करना, सो ये भी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट आ रहा है, क्योंकि दिस इज़ इक्वल टू 1024, बट यहाँ पे 2048 इन्होंने लिखा है। तो एक तो आपका ये ऑप्शन है कि ये आपका इनकरेक्ट है, दूसरा ये चेक कर लेते हैं कि डेसिमल से बाइनरी, तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, तो 128, 8, 19, 11, तो 131 ऐसे आ रहा है, तो ये तो आपका सही है। इसको चेक कर लेते हैं, जैसे 1, 2, 1, 2, 4,
एट 16, 32, तो 8, 9, 10, 14, 15, 45, ये भी आपका सही है। ओके, हेक्साडेसिमल दिस हमारे पास इसके इक्वल हैं, तो ये हमने किस तरह चेक करना है 79 को, तो अच्छा सो ऑप्शन सी को चेक लेते हैं, तो इसमें हमारे पास 8 में है, तो इसको कन्वर्ट करना है, तो या 8, 8, 3, 3 पे बना लो, तो 1, 2, 4, 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 है, तो ये भी आपका एक करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है। हेक्साडेसिमल इसको चेक कर लेते हैं, तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि पहले हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 7 आपका क्या हो जाएगा बाइनरी में 1, 1, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7 0 हो जाएगा, सी आपका क्या होगा तो 10, 11, 12, ये 12 के इक्वल होता है, 1, 2, 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये आपका 1, 1, 0, 0 हो जाएगा, और 6 किसके इक्वल होता है तो 4, 0, 1, 1, 0 के इक्वल होता है, और बी आपका 11 के इक्वल होता है, तो 8, 9, 10, 11, तो ये आपका हो जाएगा 1, 8, 9, 10, 11, 0, 1, 1, तो इसको अब हमने कन्वर्ट करने डेसिमल में, तो ये आपका 1 भी ऑन है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इसके बाद ये हमारे पास 256, 512, 512 के बाद 1024 हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 2048 हैं, उसके बाद हमारे पास 4096 हैं, तो ये ऐड कर लो तो 10 आ जाएगा, 20, 28, 29, 30, 31, 3 carry, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14 plus 9, तो 20, 21, 23, 24, so this is 1, 2, 4, 8 off है, 16 भी off है, 32 भी off है, 64 और 128 on है, 64 और 128 on है, उसके बाद हमारे पास 256 भी off है, 512 और 1024 आपका ऑन है, उसके बाद 2048 ऑफ है, उसके बाद हमारे पास 4096 भी ऑन है, उसके बाद हमारे पास इसके बाद जो आएगा 8 जाएगा उसके बाद जो आएगा वो ऑफ है उसके बाद वो सो ये आपका ऑन है, तो इन सब को ऐड कर लो, इससे क्या आता है,
सो इन सब को आप ऐड कर लो तो दैट्स विल बी गो टू 18,746। ओके, ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं, B6C7। तो इसको इसको डेसिमल में डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 टाइम्स 16 टू द पावर 0 हो जाएगा, प्लस सी सी आपका क्या है, A B C 10 11 12 12 होता है, 12 टाइम्स 16 टू द पावर ऑफ 1 के इक्वल होता है, 6 टाइम्स 16 टू द पावर ऑफ 2 के इक्वल होता है, और बी तो दैट इज़ 11 टाइम्स 16 टू द पावर ऑफ 3 के इक्वल होता है। अब इनको हमने करना है, 16 टू द पावर ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 1, तो ये 7 आ जाएगा आपके पास, प्लस 12 टाइम्स 16, दैट्स विल बी इक्वल टू 192 आता है, 192 प्लस 6 टाइम्स 16 स्क्वेयर, दैट्स विल बी इक्वल टू 1536, प्लस 11 टाइम्स 16 टू द पावर ऑफ 3, इससे हमारे पास आ जाए 45056, 45056। अब इन सबको ऐड कर लो, 6 टाइम्स 6 प्लस 6 इज 12, 13 14 प्लस 7 17 18 19 20 21, तो 1 2 केरी हो जाएगा, तो 2 5 6 7 8 9 10 19, तो 9 आ जाएगा 1 केरी, तो 1 प्लस 5 6 7 7 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 5 प्लस 1 इज 6 6 आ जाएगा, उसके बाद 4, तो 4 7 7 9 1 in 10, सो येस 4 6 7 9, येस, सो दिस इज द करेक्ट। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए ऑप्शन सी हमारे पास रॉन्ग हैं, रॉन्ग कन्वर्जन हैं, तो एंड पे आंसर जो है वो सी हैं, बट यहाँ पे ए भी हैं, या शायद इनसे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, एक डिजिट को ये भूल गए हैं, तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हैं। लेकिन अगर NTS वाले टेस्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे फिर आपने ऑप्शन सी को करेक्ट करने, क्योंकि उनकी कीज़ जो होते हैं वो इसी यहाँ से कीज को कॉपी करते हैं, तो वो आपके लिए फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो अगर वो आपको कार्बन कॉपी दे देते हैं तो वहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो आपका हमसे कुछ याद होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर कर लेते हैं, ऑब्जेक्शन कर लेते हैं। लेकिन अगर वो कार्बन कॉपी नहीं है तो फिर आपके लिए ऑब्जेक्शन करने का वो ऑप्शन भी आपसे चला जाता है, क्योंकि फिर आपको एम सी क्यूज ही याद नहीं होता कि कौन सा एम सी क्यूज था और कौन से कलर का वो आपको पेपर मिला था। ओके, लास्ट एम सी क्यूज ऑफ दिस क्लास इज विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी एडिशन इज इनकरेक्ट। तो एडिशन हमारे पास कौन सा इनकरेक्ट है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 1101 और ये दूसरा 1011, तो यह 1101 हो जाएगा, 1101 हो जाएगा, 1101 हो जाएगा, तो 11000, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए भी, हमारे पास यहाँ पे 0.1 भी है, सॉरी, तो 1101 हो जाएगा, 1 केरी, तो ये 1 आएगा, तो ये आपका 1101, तो ये आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज 0.0011
0.1110, तो ये आपका 1 आ जाएगा 110, 1 हो जाएगा 110, 1 हो जाएगा तो 1, तो 1.1, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारे पास इनकरेक्ट आ रहा है। बाकी को भी चेक कर लेते हैं, दैट इज़ 10 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1, तो ये आपका 1 1 0 1 1 0 1, तो ये आपका 1 1 0 0, ये भी आपका करेक्ट है। लास्ट 1 1 0 0 point 0 1 1 1 0 1 1 point 1 1, तो इससे आपके पास 1 1 0 1 आ जाएगा 1 1 1 1, तो 1 0 1 1, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसमें इनकरेक्ट आंसर होगा, सॉरी इनकरेक्ट इक्वेशन है। ओके, और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एंड एनी एमसीक्यूज, देन प्लीज़ पुट दैट एमसीक्यूज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू देयर। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।